हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो मैं लक्ष्मी चौहान आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल पार्लर टिप सेंटर चपर। तो आज हम लोग करने वाले हैं फेशियल। VLCC का पपाया फ्रूट फेशियल है ये। ये ब्लेमिशिंग के लिए, जो झाइयाँ हो जाती हैं उसके लिए, या डार्क सर्कल होते हैं, या चेहरे पर कोई भी डार्कनेस है उस चीज़ के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपके पास ऐसा कोई क्लाइंट आता है जिसके फेस पर ये सारी प्रॉब्लम है या इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप उनको ये दे सकते हो। तो इसके अंदर कुछ इस तरीके से पाउचेस निकलते हैं। तो ये है कुकुम्बर टोन का, इसमें टोनर मिक्स होता है, क्लींजर है ये। तो ये फर्स्ट स्टेप है, आपको इस तरीके से सारे स्टेप मिल जाएंगे इसमें। ये सेकंड स्टेप है, इसमें इसका स्क्रब जो है वो पाउडर फॉर्म में होता है, जिसको हमें एक बाउल में अच्छे से रोज़ वाटर की हेल्प से आप मिक्स कर लीजिए। आप चाहो तो इसमें नॉर्मल पानी की हेल्प से भी आप इसको मिक्स कर सकते हैं। तो अभी हम उसे साइड से रख देते हैं। हम नेक्स्ट है, थर्ड स्टेप है इसका जो है जेल। तो इसको मतलब स्क्रब करने के बाद फिर हम जेल का स्टेप करेंगे। फिर फोर्थ नंबर पर है इसमें मसाज क्रीम, और फिफ्थ नंबर पर है यहाँ पर इसका पैक। तो आप चाहो तो अगर आपका पैक ड्राई हो तो उसमें आप हल्का सा रोज़ वाटर मिक्स कर लीजिए। और सिक्स नंबर पर है यहाँ पर ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र SPF 25। हमने लिया है एक बाउल में पानी लिया है नॉर्मल, और टिश्यू पेपर लिया है, और मैंने सारा जो भी पाउचेस हैं उनको खोल के इस तरीके से ट्रे में कन्वर्ट कर लिया है। इससे क्या होता है, हमारे टाइम की बचत भी होती है, और हम बार बार पाउचेस कट करके और फालतू में हम काफ़ी कचरा इकट्ठा कर लेते हैं, हमें वो भी नहीं करना पड़ता। हमेशा आप जब भी पार्लर में आप काम कर रहे हैं तो एक हाइजीन मेंटेन करके काम कीजिए। कभी भी अपनी ट्रॉली पर बहुत सारा सामान रखने की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ों को फैलाने की ज़रूरत नहीं है, तो बहुत ही आराम से कीजिए। तो मैंने सारा अपना ट्रे में मिक्स कर रख लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर बाउल में कर लिया है उसका जो स्क्रब था, वो स्क्रब पैक। तो उसको मिक्स करने के लिए मैं उसमें ऐड कर रही हूँ रोज़ वाटर। तो जितना भी पर्याप्त हो आप उसमें उतना रोज़ वाटर डाल लीजिए। अगर आप रोज़ वाटर नहीं डालना चाहते हैं तो आप उसमें नॉर्मल पानी भी डाल सकते हैं, और उसको इस तरीके से ब्रश की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर पहले ही इसलिए मिक्स कर रही हूँ ताकि जब हम एंड टाइम पर जब करते हैं, जब हमने क्लिंजिंग कर ली फेस की, और उसके बाद हमने अगर इसको मिक्स किया तो इसको थोड़ा सा सेट होने का टाइम नहीं मिल पाता है। और इसके जो इसमें जो पपाया के जो बीज हैं उनका उनका पाउडर फॉर्म में बना के उसका स्क्रब बनाया गया है, तो वो अच्छे से फूल नहीं पाते हैं और थोड़ा हार्श होंगे, हमारे फेस पर लग भी सकते हैं जब हम स्क्रब करते हैं। तो इसीलिए मैंने इसको पहले ही रोज़ वाटर में मिक्स करके रख लिया है ताकि जब तक मैं स्क्रब करूँगी तब तक ये अच्छे से सेट हो जाएगा, अच्छे से इसके जितने भी इसमें दाने हैं वो अच्छे से फूल जाएंगे, थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। इसीलिए आप भी इसी तरीके से पहले ही मिक्स कर लीजिए। तो यहाँ पर हमारी ट्रे हो गई है रेडी। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप चेयर पर कर रहे हो, मुझे किसी ने कमेंट करके बोला था कि आप चेयर पर कैसे करती हो फेशियल, वो मुझे हमें बताना। तो मैं आपको बता दूं कि अगर मैं बेड पर नहीं करती हूँ फेशियल बेड पर, तो फिर अगर मैं चेयर पर करती हूँ, तो जब मैं चेयर पर करती हूँ तो मैं इस तरीके से करती हूँ। जब नॉर्मल ही जब चेयर को नॉर्मल रखते हैं तो वो थ्रेडिंग के लिए, अगर मैं फेशियल करती हूँ तो इस तरीके से उसको थोड़ा सा पीछे झुका लेती हूँ, थोड़ा सा क्यों काफ़ी हद तक झुका लेती हूँ ताकि क्लाइंट को भी आसानी हो लेटने में, थोड़ा उसको कम्फर्टेबल फील होना चाहिए इस तरीके से। उसके बाद अगर आपका क्लाइंट लंबा है, अच्छा है, टॉल है, तो फिर आप कोई बात नहीं, उसको लगा रहने दीजिए और ऐसे ही रखिए। अगर आपका क्लाइंट की हाइट थोड़ी कम है तो आप उसके ऊपर के पोर्शन को हटा सकते हो। तो मैंने यहाँ पर अपने क्लाइंट को लेटा लिया है उस पर, और क्लॉथ चेंज करवा दिए हैं, उन्हें अपना फेशियल गाउन पहना दिया है, और अब आप इस तरीके से उनके फेस को क्लीन कर लीजिए और अच्छे तरीके से नॉर्मल पानी से टिश्यू की हेल्प से कर लीजिए आप। और उसके बाद हम फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है कुकुम्बर क्लींजिंग। तो अब मैं अच्छे से इसको 4 से 5 मिनट अच्छे तरीके से फेस को क्लीन कर लूँगी, इसी से क्लींजिंग करेंगे हम अच्छे तरीके से। अब आप मेरे स्टेप्स देखिए और फॉलो कीजिए उन्हें। जब भी आपको फेशियल कर रहे हो आप इन्हीं स्टेप्स की हेल्प से कर सकते हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछेगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप मुझे कमेंट करते हो तो। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट कीजिए, और चैनल को शेयर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर 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 कीजिएगा। अब आप आराम से देखिए और फॉलो कीजिए मेरे स्टेप्स।
तो अब हम इस तरीके से इसको एज अ पैक की तरह लगा लेंगे। ये स्क्रब है जो हमने बाउल में अभी रोज़ वाटर के साथ में मिक्स किया था वो, तो हम इसको अच्छे तरीके से सेट हो गया, थोड़ा सॉफ्ट भी हो गया है। तो अब हम इसको अच्छे तरीके से फेस पर इस तरीके से नीचे की डायरेक्शन में करते हुए एज अ पैक की तरह लगा लेंगे। जैसे आप पैक लगाते हो क्लाइंट के फेस पर, उसी तरीके से आपको पूरे फेस पर इक्वली लगा लेना है। बहुत पतला नहीं करना है, आप अच्छे तरीके से लगा लीजिए, क्योंकि ये जो है, ये जो स्क्रब है वो आपका डी टैन का भी काम करता है, जितने फेस पे टैनिंग होती है उसका भी काम करता है। सो ये अच्छे से आपकी टैनिंग को रिमूव कर देगा। तो मैं यहाँ पर इसको 7 मिनट के लिए पहले छोड़ रही हूँ, कोई मसाज नहीं करूँगी, पहले 7 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। आप चाहो तो पहले 2 से 3 मिनट अच्छे से स्क्रब कर लीजिए, मसाज कर लीजिए, उसके बाद 5-6 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। तो मैंने पहले इसको छोड़ दिया है और उसके बाद मैं इसको इस तरीके से मसाज करते हुए निकाल दूँगी। तो मैं यहाँ पर 2 से 3 मिनट ही काफ़ी होगा, 2 से 3 मिनट मसाज कर लीजिए। तो मैंने इस तरीके से पानी की हेल्प से अपने हाथों को थोड़ा सा गीला किया है और उसकी हेल्प से मैंने इसको थोड़ा सा हल्का गीला करते हुए इस तरीके से मैं मसाज कर लूँगी। सो आपको बहुत ज़्यादा हाथों को हार्ड नहीं करना है, बहुत ही लाइट रखना है हाथों को। जब भी आप क्लाइंट के फेस पर स्क्रब दे रहे हो, आपको हमेशा याद रखना है कि आपको अपने हाथों को लाइट रख के चलाना है और आपको कभी भी अपने पूरे हाथ को फेस पर नहीं रफ़ करना है। हमेशा फिंगर टिप्स की हेल्प से ही आपको स्क्रब को राउंड राउंड करके अच्छे से पूरे फेस पर हल्के हाथों से रफ़ करना है। बस सिर्फ आपको फिंगर टिप्स से ही आप स्क्रब कीजिए, तो आपका जितना भी पर्याप्त प्रेशर रहेगा उतना ही लगेगा। आप एक बार अपने क्लाइंट से ज़रूर पूछ लीजिए कि क्या उन्हें प्रेशर ज़्यादा तो नहीं लग रहा है, उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, उन्हें लग तो नहीं रही है, जिससे आपका क्लाइंट भी कंफर्टेबल रहेगा। तो आप हमेशा ये चीज़ें याद रखिए। तो हमारे जो मैंने अभी आपको दिखाया, जो हमने फेशियल किट यूज़ की है, वो छोटी वाली फेशियल किट है, इसमें इस तरीके से पाउचेस आते हैं, जो वो सिर्फ एक बार के लिए ही होता है। मैंने बहुत से पार्लरों पर देखा, एक बार मैंने करवाया था तो मुझे समझ में आया वो चीज़ कि उन्होंने एक ही में से मेरा भी कर दिया और उन्होंने अपने लिए बचा के भी रख लिया, मतलब किसी अदर क्लाइंट को करने के लिए। तो आपको ऐसा नहीं करना है, ये सिर्फ वन टाइम किट होती है और एक ही क्लाइंट पर यूज़ करने के लिए होता है। इसमें उतनी ही क्वांटिटी में चीज़ होती है जितना कि आपको एक बार में यूज़ करना चाहिए। अगर आप इसमें से भी बचा लोगे और थोड़ा थोड़ा यूज़ करोगे तो आपका क्लाइंट भी खुश नहीं होगा और उसे भी वो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा जो फेशियल से आना चाहिए। तो इसीलिए आप बचाने की मत सोचिए और आपको पूरा पूरा जितना भी है उसमें आपको टोटल क्वांटिटी यूज़ करनी है क्लाइंट के फेस पर। मैंने इस वीडियो को 2 भागों में डिवाइड किया हुआ है ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए, इसीलिए। तो ये फर्स्ट पार्ट है, तो आप इसका सेकंड पार्ट भी ज़रूर देखिएगा। इसमें मैंने स्क्रब तक का ही बताया है, तो जब आप स्क्रब कंप्लीट कर लो 2 मिनट मसाज देने के बाद, उसको अच्छे तरीके से क्लीन कर दीजिए। उसके कोई भी ब्रिसल्स फेस पर नहीं रहना चाहिए, कोई भी दाने फेस पर नहीं रहने चाहिए। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, बाय।